हेलो नमस्ते, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी हम इस समय आए हैं चेरी रोड, और यहाँ पे हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो ये राजन खाटू सर का वर्कशॉप है। काफ़ी बड़े बड़े जो है यहाँ पे मूर्तियाँ हमें देखने को मिल जाएंगी। मैं गया था अंदर तो उधर से देख के आया हूँ, और बगल में भी है काफ़ी बड़ी बड़ी, उधर भी मूर्तियाँ बन रही हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को, अगर एंट्री मिलती है तो दिखाते हैं। वैसे काफ़ी सारे ब्लॉगर भाई यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं एंट्री नहीं है राजन खाटू सर के वर्कशॉप पे, बट अभी हम लोग अंदर चलते हैं कि आपने साथ होता है जैसा अभी होगा, अगर अंदर चलने को मिलेगा तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी उधर भी है काफ़ी बड़ी, वो कलरिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो चलिए और दिखाते हैं आप लोग को। और इधर है ना वन एविग्ना पार्क करके है, और ये बड़ी सी बिल्डिंग है ना, इसी के ऐसे इधर साइड में है अंदर राजन खाटू सर का वर्कशॉप। अभी हम लोग चलने वाले हैं अंदर, तो अभी हमारे पीछे आप लोग देख रहे हो ये बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है ना राजन खाटू सर के वर्कशॉप पे हैं, बट उधर एंट्री नहीं है अभी बोल रहे हैं, अभी एंट्री नहीं मिल सकता। लेकिन यहीं से आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी बड़ी, और कलरिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए राजन खाटू सर का वर्कशॉप है, जूम करके दिखा देते हैं आप लोग को, पास में जाना अलाउ नहीं है। देखिए जो है काफ़ी ऐसा जो है काफ़ी सारे यहाँ पे वर्कशॉप है ना, और काफ़ी सारी मूर्तियाँ हमें यहाँ पे बड़े बड़े हर प्रकार की यहाँ पे मूर्तियाँ हमें देखने को मिल जाएंगी। ये वाले देख रहे हो आप लोग ना, ये छोटी मूर्तियाँ हैं ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप लोग आते हो ना भाई, तो गणपति बप्पा की काफ़ी सारी मूर्तियाँ, काफ़ी बड़े बड़े हर प्रकार की मूर्तियाँ जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे, ऐसा देख सकते हो आप लोग। और इधर ये देखिए ना, ये इधर यहाँ पे कलर वगैरह स्टार्ट हो गया करना, लोग बना रहे हैं, प्रॉपर कर ही रहे हैं कलर अभी। इनका देखिए लगभग आधा से ज़्यादा कलरिंग वगैरह हो गया है। आप लोग देखिए भाई कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पे बन रही हैं प्रॉपर वे में। पिछली बार हम लोग आए थे ना, तो इनका जो है अलग अलग पार्ट डिवाइड था, बट अभी जो है सबको ऐड कर दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी जो है मूर्तियाँ यहाँ पे ऐसा रेडी हो गई हैं। बाकी ऐसी सारी मूर्तियाँ हैं देख लीजिए आप लोग, और पेंटिंग वगैरह स्टार्ट हो गया, कलरिंग वगैरह प्रॉपर वे में कर रहे हैं। और ये इधर है ना, इनके पीछे राम भगवान, और उसके पास उनके पीछे जो है रावण, ऐसा जो है प्रतिमा बैकग्राउंड में लगाया गया है यहाँ से देखिए। और काफ़ी बड़ा है ना ये शॉप। बाकी इधर से भी देख लीजिए आप लोग, और काफ़ी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाया जा रहा है ऐसा।
हमने पता किया ये सारी मूर्तियाँ कब यहाँ से जाएंगी, तो इन्होंने बताया 21 तारीख को जाएंगी। तो हम लोग आएंगे और जो है आगमन होगा ना, तो हम लोग ब्लॉग वगैरह शूट करेंगे। बाकी ऐसा है प्रॉपर, आप लोग देख ही सकते हो, काफ़ी बड़ी ये शॉप है ना, काफ़ी बड़ा कारखाना है और काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिली जाएंगे, ऐसा देख सकते हो आप लोग। तो अभी जो है हम लोग वर्कशॉप से निकल के आ गए हैं बाहर और चलते हैं। अभी हमें जाना पड़ेगा, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा और ट्रेन से हम लोग जाएंगे। और इधर का इधर से जो ना बड़ी बड़ी मूर्तियों का जो आगमन होने वाला है, तो जल्दी ही आप लोग को दिख जाएगी, ब्लॉग वगैरह आ जाएगा मूर्तियाँ का जो है आगमन का ब्लॉग। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, जिसको आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। जितना हो सकता था हम लोगों ने प्रॉपर वे में शूट किया, काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल गई प्रॉपरली। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहाँ का ब्लॉग वगैरह देखना आप लोग इसको भी बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।